हेलो गाइस, वंस अगेन चौधरी के मेडिसिन क्लासेस। तो इंडियन एयरफोर्स की जो रैली की भर्ती चल रही है उसी का एक मैं रिव्यू लेके आया हूँ मेडिकल का। तो बहुत सारे कैंडिडेट पूछ कह भी रहे होंगे अपने मन में कि अभी तो रैली की भर्ती कंप्लीट भी नहीं हुई है, तू कहाँ से मेडिकल लेके आ गया। तो मैं आपको बताता चलूँ, इससे पहले इंडियन एयरफोर्स द्वारा 3 स्टेटों में रैली की भर्ती कराई गई थी, आपका कर्नाटक, उड़ीसा और आपका गुजरात सेंटर पर। तो उसी का मेरे पास एक रिव्यू है बंगलौर सेंटर से। कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट ने वहाँ रिपोर्टिंग किया और कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट को ग्रीन कार्ड मिल चुका है, तो ये सब कुछ आपके डाउट क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। और जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को करें सब्सक्राइब। तो जो भी कैंडिडेट जिन कैंडिडेट का मेडिकल होता है तो अपना रिव्यू शेयर कर सकता है। आप यहाँ से मेरा व्हाट्सअप नंबर भी नोट डाउन कर सकते हैं, 7505824522। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, ऐसे मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं बंगलौर सेंटर पर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, हाई सर मुझे ग्रीन कार्ड मिल चुका है। तो इनको ग्रीन कार्ड मिल चुका है, तो सबसे पहले इनको कंग्रेचुलेशन, जिन्होंने इतनी मेहनत इतनी स्ट्रगल करके पहले रिटन एग्ज़ाम को क्लियर किया, फिर उसके बाद SRT GD, अब इन्होंने मेडिकल को भी क्लियर कर लिया। अब इनको केवल PHL का इंतजार है जो 30 अप्रैल को रिलीज़ होनी है। तो ये भाई आई होप PSL में भी अपना स्थान बना पाएंगे। तो आगे चलते हैं, 45 की रिपोर्टिंग थी, तो 45 कैंडिडेट को वहाँ बुलाया गया था लेकिन 42% थे। आप यहाँ से भी देख सकते हैं 45 की वहाँ रिपोर्टिंग थी लेकिन 3 ऐसे कैंडिडेट रहे थे जो कि एफिशिएंट रहे थे। पहले हमारा टेम्परेचर चेक किया गया, तो आप यहाँ से देख सकते हैं सबसे पहले इनका टेम्परेचर ही चेक किया गया था, क्योंकि आपको मालूम है कि कोरोना वायरस की वजह से आपका बुखार और आपका सर्दी जुकाम सबसे पहले ही चेक किया जाता है वहाँ। तो आप इन से बिल्कुल अलग रहें, आप अपनी बॉडी को मेंटेन रखें जिससे क्या हो को वहाँ किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो आगे चलते हैं, हम सभी को 3 ग्रुपों में डिवाइड कर दिया, तो इनको 3 ग्रुपों में बांट दिया था, अर्थात प्रत्येक ग्रुप में 14-14 कैंडिडेट रहे होंगे। तो उनको अलग अलग मेडिकल के लिए भेज दिया, तो उनको जो कैंडिडेट बांटे गए थे आपके 14-14 कैंडिडेट प्रत्येक ग्रुप में, उनको अलग अलग मेडिकल के लिए भेज दिया गया था। लाइक एस किसी को ब्लड, किसी को यूरिन, तो किसी को चेस्ट एक्सरे, तो किसी को ECG के लिए भेज दिया था। तो सबसे पहले इन्होंने बताया, आप यहाँ से देख सकते हैं हमसे कुछ फॉर्म भी फिल करवाए थे, तो ये फॉर्म भी इनसे फिर कुछ फिल कराए थे। तो मैं आपको बताता चलूँ, चेस्ट एक्सरे होता है जो इसी से संबंधित, आपके कुछ फॉर्म वहीं वहाँ फिल कराए जाते हैं। तो पहले ग्रुप को ब्लड यूरिन के लिए भेज दिया, तो सबसे पहले जो ग्रुप था उनको ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट के लिए भेज दिया गया था, जबकि दूसरे को ECG और तीसरे को एक्सरे के लिए भेज दिया। तो जो पहला ग्रुप था उसको ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए भेज दिया गया था, वहीं आपका जो दूसरा ग्रुप था उसको ECG और तीसरे को चेस्ट एक्सरे के लिए भेज दिया था। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इंडियन एयरफोर्स की परीक्षा में, जैसा कि आपको पता है, आर्मी और नेवी में ECG नहीं होती है, नहीं आपका चेस्ट एक्सरे होता है। तो एयरफोर्स में ये दो से तीन ज़्यादा मेडिकल पॉइंट चेक किए जाते हैं, तो थोड़ा इस वजह से हार्ड भी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ECG में बाहर भी हो जाते हैं। तो 12 चैम्बर वाली आपके शरीर पर जब मशीन लगाई जाती है तो आप नर्वस हो जाते हो, जिससे आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, आपको पॉइंट मिल जाता है। तो बहुत सारे, कम से कम देखा जाए तो 50-60% ऐसे ही कैंडिडेट रहते हैं जिनको केवल और केवल अपनी कमी से मेडिकल पॉइंट मिलता है ECG में। तो नेक्स्ट चलते हैं, तो इन्होंने बताया ऐसे ही हमारा मेडिकल चलता रहा, तो आपस में ये बदलते रहे, किसी का ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट हो गया तो उसका चेस्ट एक्सरे के लिए भेज दिया, किसी का ECG हो गया तो उसे ब्लड और यूरिन के लिए भेज दिया, खाना खाने के बाद दोबारा से ब्लड लिया गया, तो जब इन्होंने खाना खा लिया था तो उसके बाद ब्लड के लिए उनको दोबारा से भेज दिया गया था। जैसा कि आपको मालूम है कि जब आपको मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है तो उसमें इंस्ट्रक्शन भी दिए जाते हैं कि आपको मेडिकल में प्रेजेंट होने से पहले 14 घंटे तक कुछ खाना नहीं है। तो इन भाई ने बहुत सारे मेडिकल पॉइंट हैं, उनके नाम भी बता रखे हैं, आप इनको यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। आपका आई में आपका कलर विजन 6x6 ये सब कुछ चेक किया गया होगा, वहीं आपका ईयर में आपका ड्रम तो नहीं है, आपका वैक्स वगैरह तो नहीं है, और आपका होल तो नहीं है, BP, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन ये सब कुछ, नौकनी, आपके घुटनों आपस में भिड़ते नहीं हैं, आपका हैंडवेंड, आपका जो हाथ है ज़्यादा उसमें टेढ़ापन तो नहीं है, 15 डिग्री से ज़्यादा तो नहीं है, आपका स्वीट पॉम हाथ में पसीना तो नहीं आता, आपका हाइट, वेट, नोज़, तो वेट आपका अकॉर्डिंग टू हाइट की अभी है या नहीं, आपका नोज़ DNS चेक किया गया होगा, तो ये सब कुछ चेक किए गए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 28 को ग्रीन, 14 को रेड कार्ड मिला, तो बहुत अच्छा ही रिव्यू है देखा जाए तो 28 को ग्रीन कार्ड मिल चुका है, जबकि आप अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे सेंटरों से ऐसा भी रिव्यू देखने को मिलेगा, केवल और केवल 8 से 9 कैंडिडेट को ही ग्रीन कार्ड मिलेगा। तो बहुत अच्छा रिव्यू रहा आपको देखा जाए तो बंगलौर सेंटर से।
तो मैंने इनसे पूछा कि मेडिकल पॉइंट किस में बने, तो उन्होंने बताया था जो मेडिकल पॉइंट बने आपका ECG, वेट, आई, एक्सरे आपका जो वही चेस्ट एक्सरे, एक को शायद DNS का था, तो आप इनको भी यहाँ से देख सकते हैं। ECG में सबसे ज़्यादा पॉइंट बने, वहीं आपका वेट में भी पॉइंट बनते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो अपनी हाइट की अपेक्षा उनका जो ज़्यादा वेट होता है, तो उनको मेडिकल पॉइंट दे दिया जाता है। तो यह मेजर पॉइंट नहीं है देखा जाए तो आप इसको एक बार अवश्य दिखा लें, और जो भी कैंडिडेट आगे आने वाले समय में अपना मेडिकल देना वाला है तो वो इन इंस्ट्रक्शनों को फॉलो करो, जिससे कि आपको वहाँ किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू लेके। जय हिंद।